हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मल्टीट्यूड पर। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है जियोफाई के प्लान्स के बारे में। उन्होंने नए जो प्लान्स अनाउंस किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्लान्स जो है वो है जियोफाई के बारे में। जैसे कि हम जानते थे कि जियोफाई का एक्सचेंज ऑफर चल रहा था, यानी कि आप कोई भी अपना पुराना 3G डोंगल या 4G डोंगल अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे और अगर आप जियोफाई खरीदेंगे तो वो एक्सचेंज हो जाता था और आपको 1999 के बदले 1000 रुपीज माइनस करके 999 आपको देना पड़ता था। और साथ ही साथ आपको डेटा प्लान्स, अनलिमिटेड डेटा प्लान्स और कॉल्स का बेनिफिट मिलता था। पर ये 29 जून तक ही था। 29 जून के बाद एक नया ऑफर आया है जो कि है, आपको अगर आप अभी जियोफाई खरीदना चाहते हैं तो आपको 1909 रुपीस में ही खरीदना पड़ेगा। उसके साथ आपको जो मिलेगा आप माई जियो स्टोर पे जाइए, वहां पे माई आपका जियो वाईफाई खरीदिए, वहां से वहां पे आपको चार ऑप्शंस देंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्शन 1 में हमारा जो 149 का प्लान था जियो का, जिसमें आपको 28 डेज का वैलिडिटी मिलता है, साथ ही साथ 2GB का डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स एंड SMS मिलते हैं और 300 SMS भी मिलते हैं। तो अगर आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे तो आपको 149 का जो बेनिफिट है, 2GB फॉर 28 डेज, अनलिमिटेड कॉल्स और 300 SMS, ये आपको 28 डेज के लिए मिलेंगे। पर इसका बेनिफिट आपको 12 रिचार्ज साइकिल्स पे मिलेगा। इसका मतलब है अगर आप 149 का यानी कि ऑप्शन 1 प्लान चूज करेंगे तो आप एक साल तक फ्री में डेटा और कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में है 309 का प्लान, जिसमें आपको 1GB पर डे का डेटा मिलेगा, हाई स्पीड डेटा, उसके बाद अनलिमिटेड 128 KBPS की स्पीड पर, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल्स और SMS भी मिलेंगे। ये भी 28 डेज का ही प्लान है, पर इसका अगर आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे तो आपको 6 रिचार्ज साइकल्स में दिया जाएगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि 6 मंथ्स आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है करीब। अगर आप ऑप्शन 3 चूज करेंगे, ऑप्शन 3 है आपका 509 का प्लान, जो कि 2GB पर डे का डेली लिमिट देता है डेटा का, उसके साथ ही आपको अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड SMS तो मिलते ही है। ये भी 28 डेज का ही प्लान है, पर अगर आप ऑप्शन 3 चूज करेंगे तो आपको ये 4 रिचार्ज साइकल्स में मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन 4, वो वाला ऑप्शन है 999 का जो प्लान है जियो का, वो वाला, उसमें आपको डेटा मिलेगा, स्टॉक डेटा मिलेगा 60GB का, जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हैं। उसमें कोई डेली लिमिट नहीं है, आप जब चाहे तभी जितना अमाउंट का डेटा यूज कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट आपको 2 मंथ्स यानी कि 2 रिचार्ज साइकिल्स पे मिलेगा। 60GB का डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स एंड SMS 28 डेज के लिए है, पर ये आपको 2 रिचार्ज साइकिल्स में मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अगर आप ऑप्शन 4 चूज करेंगे तो आपको 2 मंथ्स का बेनिफिट मिलेगा। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मान के चलिए आप ऑप्शन 1 चूज कर चुके हैं और आप उसका ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, पर 1 महीने बाद आपको ये लगा कि ना ऑप्शन 1 में मेरा नहीं हो रहा है, आप ऑप्शन प्लान चेंज करना चाहते हैं, तो गाइस यही मैं कहना चाहता हूं कि एक बार प्लान जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो आप दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ये बात याद में रखिए, जब भी जियोफाई डिवाइस आपको खरीदना है तो ये सोच के लीजिएगा कि आपको प्लान क्या लेना है और आप इससे कितना कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि अभी यार चलो यार ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 ले लेते हैं बाद में चेंज कर लेंगे, तो गाइस वो नहीं है, वो नहीं होगा। जो ऑप्शन आपको रिटेलर चूज करने को देगा, एक टाइम आपको वही ऑप्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। और इसके तहत मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 99 का जो प्राइम मेंबरशिप है वो भी आपको फ्री में मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा ऑफर फिर से रिलायंस जियो ने लाया है और फिर से टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा मार दिया है रिलायंस जियो ने। अच्छा गाइज, और एक प्लान के बारे में मैं बताना चाहूंगा जो हाल ही में लॉन्च किया है जियो ने,
JioFi के लिए, वो है जियो का जीएसटी प्लान। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है, हालांकि अभी भी चालू हो गया है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जीएसटी का कंशियसनेस अभी भी बहुत लोगों को नहीं है। हमें अभी भी ताज्जुब होता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता बहुत जन लोगों को। तो इसका जो क्या प्रोसीजियर्स है या फिर कैसे टैक्स बैठेंगे, किस गुड्स पे कितना टैक्स बैठेगा, इनका भी नॉलेज अच्छी तरह से मालूम नहीं है। और जो भी स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज या फिर जो बिजनेसमैन है, उनको अभी भी नहीं पता कि जीएसटी के साथ वो लोग अपना कैसे हैंडल करेंगे, अपना टैक्स फाइल या फिर ये रिटर्न फिटर्न कैसे भरेंगे। तो जियो ने एक अच्छा ऑफर फिर से लाया है JioFi के लिए। तो उसने इसका नाम दिया है जियो जीएसटी ऑफर। इसके तहत आपको क्या मिलेगा, हम वो डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी JioFi डिवाइस लेंगे, जैसे कि मैंने पहला प्लान बताया था, वो प्लान भी अवेलेबल है और ये जीएसटी प्लान भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा, पहला आपको जो मिलता है वो है जियो जीएसटी एप्लीकेशन। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे कि आप अकाउंटिंग के साथ साथ बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है एप्लीकेशन के साथ, जो कि आपको हेल्प करेगा कि किस चीज में कैसा जीएसटी बैठेगा या फिर उसका बिलिंग कैसा होगा, जो बिलिंग का जो प्रोसीजियर है। हालांकि हमारे देश में अभी भी सर्विस टैक्सेस और भी बहुत सारे टैक्सेस थे वो जो लागू थे, पर इस बार सब इकट्ठा करके जीएसटी लॉन्च हुआ है। तो अब जीएसटी में इसका बिलिंग का प्रोसीजियर कैसा रहेगा, इसके बारे में उसका डेटा ऑलरेडी उस ऐप में मौजूद है। तो आप खाली अपना कमोडिटीज बिठाएगा जिसमें जो रेट्स है, खाली आप वो डालिएगा तो वो बिल बना देगा अपने आप। साथ ही साथ JioFi आप जो ले रहे हैं उसके साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस मिलेगा और 24 GB का डेटा मिलेगा। हाँ, मैं यही बात पे आना चाहता हूँ, 24 GB आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 149 का जो प्लान है वही एक्टिवेट किया जाएगा 12 रिचार्ज साइकिल्स के लिए। यानी 149 प्लान में क्या है, मैं वो आपको फिर से बताने वाला हूँ। 149 के प्लान में 2 GB का डेटा मिलता है 28 डेज के लिए, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल्स और 300 SMS का फायदा मिलता है। तो अगर आप जियो जीएसटी के तहत अपना JioFi खरीदेंगे तो आपको यही प्लान, मतलब 149 वाला प्लान 12 रिचार्ज साइकिल्स में मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपको एक साल का बेनिफिट मिलने वाला है। और जियो ने साथ ही साथ डोर स्टेप डिलीवरी भी चालू किया है। और अब जो मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा वो है जियो बिलिंग एप्लीकेशन। ये भी एक ऐप है जिसके लिए आपको प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला एक बहुत ही एडवांटेज है। और इस जियो बिलिंग एप्लीकेशन में आपको फुल जीएसटी का नॉलेज मिलेगा और इसमें आपका हेल्प भी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कैटलॉग्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ, मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से कमोडिटीज पर कितना टैक्स बैठ रहा है, उसका सब हिसाब किताब यहाँ पे दिया हुआ है जियो बिलिंग एप्लीकेशन पे। तो वो इसको इस एप्लीकेशन के तहत आपको ये हेल्प मिलेगा और इजीली आप बिल्स बना सकते हैं। और साथ ही साथ जियो का और एक एडवांटेज भी आपको मिलेगा, वो है एम्पैनल प्रोफेशनल्स। अब एम्पैनल प्रोफेशनल्स क्या है, जैसे कि आप JioFi के साथ ज्वाइन कर रहे हैं जीएसटी फैमिली के साथ, जीएसटी प्लान के साथ, तो आपके जैसे और भी यहाँ पे जीएसटी बिजनेस पैनल के लोग रहेंगे, जो लोग जीएसटी टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उनका भी एडवाइस ले सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जीएसटी में 2 बार आपको फाइल रिटर्न करना पड़ता है, तो आप कोई भी वहां से टैक्स प्रैक्टिशनर ढूंढ के आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अपना रिटर्न कैसे भरा जाए, या फिर जो भी सजेशन है आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों जियो जीएसटी प्लान के बारे में। और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जियो हमारे लिए हर 3 महीने या फिर एक रेगुलर इंटरवल पे नया ऑफर लेके आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि JioFi के जो 2 प्लान्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, अब ये आपके ऊपर है आप कौन सा प्लान लेंगे। मेरा ये मानना है जिन लोगों का बिजनेस है
वो लोग जियो जीएसटी का फायदा उठाए, और जो लोग हमारे जैसे लोग हैं खाली सिर्फ डेटा यूज करना चाहते हैं या फिर टेलीकॉम सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, उनके लिए प्लान वन ही सही रहेगा। चलिए दोस्तों, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन आता है, उसको टैप कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम लोग लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।